हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। एक्सेस के आज के इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है कि हम स्क्वायर कैसे लगाएं। स्क्वायर लगाने का जैसे आप पाइथन में करते हैं तो पाव फंक्शन का यूज कर लेते हैं, सी में भी आपको पाव फंक्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर स्क्वायर कैसे लगाएं, तो चलिए ये देखते हैं बहुत सिंपल वे में। ठीक है, यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। स्क्वायर जब भी लगाना होगा तो आप इस चाहे तो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में भी। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर आए, यहाँ पर मैं दो चीजें ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, लाइक ये तो आईडी है, इसको छोड़ देता हूँ ऐसे ही। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर वन कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर नंबर डेटा टाइप को यूज करूंगा। तो ये नंबर डेटा टाइप हमने यूज किया। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा नंबर टू, तो यहाँ पर भी हम नंबर ही डेटा टाइप यूज करेंगे। तो ये नंबर ले लिया यहाँ पर भी। ठीक है, अब ये दो ले लिया हमने। तीसरा यहाँ पे फील्ड डालेंगे हम क्या, एक्सपोनेंट यानी घातांक। घात लगाने के बाद यहाँ पर क्या आए, यानी स्क्वायर लगाने के बाद, क्यूब लगाने के बाद यहाँ पे क्या आए, कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब व्यू पे क्लिक कर दिया है, यहाँ से यस कर देंगे। अब ये देखेंगे कि इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हम डालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टू और इस पे पावर थ्री लगाना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम एक क्वेरी बनाएंगे। क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर, और क्वेरी डिजाइन पे जाने के बाद इसको ऐड करवा लेंगे और यहाँ नंबर वन हो गया, नंबर टू हो गया और यहाँ पे एक्सपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहता हूँ क्योंकि बेहतर लुक में आपको ये दिखाई देगा और सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के यहाँ पे कॉलन लगाया, कॉलन लगा करके यहाँ पर लिखेंगे एन यू एम बी ई आर नंबर वन। ठीक है, और ये तो नंबर वन और नंबर टू हो गया। अब इन दोनों के बीच में लगाएं क्या, यहां पर समस्या बहुत ज्यादा खड़ी हो जाती है। तो यहां पर आपको एक्सपोनेंट ऑपरेटर लगाना है, और ये ऑपरेटर कहां मिलेगा, कैसा दिखता है वो आपको दिखा देता हूं। आपको कीबोर्ड में शिफ्ट बटन प्रेस करना है, और शिफ्ट बटन को छोड़ना नहीं है। शिफ्ट बटन प्रेस किए कि आपको अल्फा न्यूमेरिक की 6 प्रेस करना है, 6 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक बटन प्रेस कीजिएगा। ये है आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अब नंबर वन को नंबर टू से एक्सपोनेंट किया जा रहा है, यानी जितना घात जितना पावर आप लगाइएगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो यहां पे देख सकते हैं दो पे पावर चार है, दो पे पावर चार का मतलब क्या होगा, दो दुना चार दुना आठ दुना 16, यानी 16 आएगा, तो 16 आ रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टू पे पावर 6 लगाता हूँ। ठीक है, अब टू पे पावर 6 का मतलब क्या होगा, दो दुना चार दुना आठ दुना 16 दुना 32 दुना 64, यानी 64 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 64 ही आ रहा है। इसी तरीके से 8 का करते हैं, तो 8 जा कितना होता है, 64 होता है। तो 8 पे पावर 2 लगाता हूं तो 64 आना चाहिए, तो 64 आ रहा है। अगर 3 कर देंगे तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे 4 करता हूं और 4 पे पावर 4 लगाता हूं। ठीक है, 4 पे कितना पावर 4, तो 256 आ रहा है। 4 जा कितना होता है 16, 16 चौको 64 हो जाएगा, 64 चौको फिर ऐसे करके ये 256 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये एक्सपोनेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे तो बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने में काफी हेल्पफुल ये साबित हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।